मेरा एग्जाम बहुत अच्छा। आप पहले कहाँ से आए? मैं ग्वालियर एमपी से आया। अच्छा, ग्वालियर एमपी से आया। हाँ, ग्वालियर एमपी से आया। आपने जो तैयारी थी उस हिसाब से पेपर बना था कि पेपर बहुत नहीं, मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने एग्जाम पर यूट्यूब चैनल था जो विवेक सर के द्वारा संचालित हुआ है, उनके द्वारा मैंने तैयारी की, उनके द्वारा उनका पूरा उनका मैंने मतलब पूरा वो किया, तो मेरे हिसाब से पाँच क्वेश्चन यू पी जी के थे। पाँच क्वेश्चन यू पी जी के थे, वो सिंपल थे बिल्कुल, और उनके मतलब हिस्ट्री है, हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन देखने को मिले बस, एक दो क्वेश्चन मतलब स्टैटिक जीके का पोर्शन था, चार पांच क्वेश्चन क्या कहते हैं करंट अफेयर्स के थे, जो 2023 का करंट पूछ रहा है, हाँ छः से आठ महीने का ही पूछ रहे हैं, मतलब ज़्यादा पीछे का नहीं पूछ रहे हैं, बहुत मैथ क्वेश्चन, मैथ में कैलकुलेशन बहुत सिंपल मैथ आ रहा है, वन लाइनर मैथ आ रहा है, मतलब कहें और रीजनिंग का कथन निष्कर्ष में समय ज़्यादा लग रहा है, वो लेंथी क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब उस समय आपका बर्बाद करने के लिए मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चों को, क्यों नहीं हो पा रहा है, 10 से 5 क्वेश्चन छोड़ नहीं पड़ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो और फिर उसके बाद OMR शीट बनना होता है उसमें 2 घंटे में, वो भी होता है, पर कथन निष्कर्ष थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कम से कम आज की शिफ्ट में आज से 14 से 16 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के, आप पेपर उठाइएगा सेकंड शिफ्ट का, 14 से 16 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष, बाकी सब अच्छा आया, यूट्यूब चैनल है, हम एग्जाम्पल को बेस्ट मानेंगे क्योंकि मैंने तैयारी की है, क्योंकि विवेक सर ने मुझको मैंने दिया, ये आपकी 2 दिन पहले सर ने 16 तारीख को एक मैराथन क्लास ली थी, वो मैराथन क्लास बहुत अच्छी गई है, मतलब उसमें से मैं 75% कह सकता हूँ कि उसमें से आया हुआ है बिल्कुल पेपर, जिस प्लेटफॉर्म से आप तैयारी करें उसको क्रेडिट देना भी चाहिए, तो उसको क्रेडिट देना भी चाहिए, और जो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ इसके लिए बहुत बहुत बधाई हूँ आप जी सर। और कुछ कहना था जो कल बच्चे आएंगे उनके लिए? कल बच्चों के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कथन निष्कर्ष आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष मतलब मानसिक अभिरुचि है, मानसिक अभिरुचि कहना है उसका, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस दें, थोड़ा अच्छा जल्दी पढ़ने का वो करें, बस यही है, और मैं तो ये कहता हूँ लास्ट में उसको करें, क्योंकि जल्दी पूरा पेपर है वो वन लाइनर है, आप वन लाइन में तुरंत सॉल्व करते चले जाओगे, और कथन निष्कर्ष है लास्ट में अपना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।